विधानसभा के शीतकालीन सत्र के ठीक एक दिन पहले योगी कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में अपराधों पर रोक लगाने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अपराधों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के मकोमा कानून के तर्ज पर यूपी कोका लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शीतकालीन सत्र में ये प्रस्ताव विधानमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त कर दिया। उसकी जगह वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी पार्टियों के प्रतिनिधि दल के साथ शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की। वहीं विपक्ष ने विधानसभा सत्र में कानून व्यवस्था, बिजली दरों पर योगी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। 14 दिसंबर से 17वीं विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र योगी सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में लाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक ने कुंभ के लोगों का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हर सरकारी विज्ञापन, उपहार और स्मृति चिन्ह में कुंभ लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी के कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में टेली मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुरादाबाद की IFTM यूनिवर्सिटी कैंपस में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद छात्रों ने मारपीट कर रहे हिंदू महासंघ के लोगों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हापुड़ में प्रधान पक्ष को वोट न डालने पर दबंगों ने दलित परिवार के लोगों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की, जिसमें एक महिला और 4 लोग जख्मी हो गए हैं। बहराइच में हरदी पुलिस ने एक व्यक्ति को 18 किलो विस्फोट के साथ गिरफ्तार किया है। इतनी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ के बाद एक छात्र को सकुशल बरामद कर लिया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाश छात्र को छोड़कर फरार हो गए। बांदा के सरकारी स्कूलों में अभी तक बच्चों को गर्म कपड़े नहीं दिए गए। ठंड के कारण बच्चे स्कूलों में बिना गर्म कपड़े पहने ही पढ़ाई कर रहे हैं। मिर्जापुर में भी स्कूली छात्र बिना गर्म कपड़ों के ही स्कूल जा रहे हैं, जिस वजह से छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय स्कूल के बाहर ही धूप में पढ़ाई कर रहे हैं। संसद हमले में शहीद हुए देशराज मावी को गाजियाबाद स्थित उनके घर पर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर आतंकरोधी संगठन के अध्यक्ष MS बिट्टा ने शहीद देशराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मऊ के वंदना नर्सिंग होम में डॉक्टर ने एक बुजुर्ग महिला की बाएं पैर की जगह दाहिने पैर का ऑपरेशन कर दिया। महिला के बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ था। मुगल सराय के महाबलपुर में पुरानी रंजिश के मामले में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए हैं। गोरखपुर में 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। महोत्सव का शुभारंभ 11 जनवरी को राज्यपाल राम नाईक द्वारा किया जाएगा। पीलीभीत के प्राचीन शिव मंदिर में सांप और नेवले की लड़ाई का वीडियो सामने आया है। सांप और नेवले की लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। व्यापार में लाभ होगा या हानि,
रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।